हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द SHM और एक सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उसको यूज़ करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। पहला है, व्हाट इज ए टाइम पीरियड इन SHM। टाइम पीरियड जाने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ए कंप्लीट ऑसिलेशन। सपोज अगर ये पेंडुलम है, ओके, दिस इज इट्स मेन पोजीशन, दिस इज इट्स वन एक्सट्रीम पोजीशन, ये और एक एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, सो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके और एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके अगेन मेन पोजीशन पे जब वो लौट आता है तो उसको बोलते हैं वन कंप्लीट रोटेशन, या सॉरी ऑसिलेशन। ठीक है, सो लेट्स सी। सपोज दिस इज अ पेंडुलम, वो एक मीन एक्सट्रीम ले लो एंड दिस इज वन एक्सट्रीम पोजिशन, दिस इज पोजिशन ओ ए एंड बी। ठीक है, जब ये पेंडुलम ओ से बी तक जाएगा, ठीक है, ओ से बी तक गया, देन ए पे आएगा, ओ से ओके जाएगा, ओ से बी तक जाएगा, देन ओ पे आएगा, देन ए पे जाएगा, अगेन ओ पे आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए हमें जितना टाइम जरूरत है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। So what is time period in SHM? It is the time required for one complete oscillation, okay? And it is represented by capital T. It is related to angular frequency omega by T is equal to 2 pi upon omega, ठीक है? मतलब क्या है कि अगर एक oscillation के लिए मान लो इस pendulum को 1 seconds लग रहा है, ठीक है, तो ये pendulum का time period हो जाएगा 1 second का। अगर 5 सेकेंड लग रहे हैं तो टाइम पीरियड हो जाएगा 5 सेकेंड का। ठीक है, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो हम डायरेक्ट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, जहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, देन हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक यूनिट टाइम में एक पेंडुलम या फिर एक ऑसिलेटिंग बॉडी कितना बार एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल कोई पेंडुलम का केस ले लो, मान लो दिस इज द पेंडुलम, ये ऑसिलेट कर रहा है पोजीशन ए, पोजीशन बी एंड ओ। ओके, तो अगर मान लो 1 सेकेंड में वो ओ से बी, बी टू ए, देन ए टू ओ, इस तरह मोशन एक बार कर रहा है, वन ऑसिलेशन, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विल बी वन। एक यूनिट टाइम में एक ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। मान लो यूनिट टाइम में अगर 2 ऑसिलेशंस करेगा, मतलब 2 बार ऑसिलेट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो फ्रीक्वेंसी इन SHM, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और इसको और किस तरह से, अगर हम न्यूमेरिकली, ये हो गया इसको फिजिकल मीनिंग, अगर न्यूमेरिकली निकालना चाहें देन इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा जितना भी आएगा, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू क्या था, टाइम पीरियड वॉज 2 पाई बाय ओमेगा, तो इसका रेसिप्रोकल अगर कर देंगे सो टी विल बी ओमेगा बाय 2 पाई, सॉरी म्यू विल बी ओमेगा बाय 2 पाई, सेम चीज इज रिटन हियर। नेक्स्ट, इन सबको जो भी हमने पढ़ा है, लाइक वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, सबको यूज करके एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो SHM में या SHM का है बट वो क्वेश्चंस में आते हैं।
देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, इफ x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी गई है a cos ओमेगा t एंड b sin ओमेगा t। किसका किसका वैल्यू निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ t, t मतलब हो गया टाइम पीरियड, v max मतलब वेलोसिटी, मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी, a max मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और हमें क्या गिवन है, a का वैल्यू गिवन है, b का वैल्यू गिवन है एंड ओमेगा इज ओमेगा ओमेगा का वैल्यू गिवन है। कैसे निकालेंगे? पहले देखो गिवन x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, ठीक है। ये जो इक्वेशन गिवन है x का, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो SHM का इक्वेशन है या नहीं, या जिसका जिस पार्टिकल का इक्वेशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कि नहीं। तो उसको कैसे चेक करेंगे? पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x को t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो d बाय डी टी ऑफ a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। तो a और b कॉन्स्टेंट्स है, a बाहर आ जाएगा, d बाय डी टी ऑफ ये क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t प्लस b d बाय डी टी ऑफ ये हो जाएगा sin ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज माइनस sin ओमेगा t, और t के साथ एक ओमेगा मल्टीप्लाई है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t, ठीक है। sin ओमेगा t का होता है cos ओमेगा t, तो cos ओमेगा t, ठीक है। फर्दर ये आ गया dx बाय dt, हम निकालेंगे डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी बाय डी टी ऑफ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा, पर्टिकुलरली अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे माइनस ए ओमेगा कॉन्स्टेंट हो गया, सो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा एज इट इज रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी देन माइनस बी, ओके यहाँ पे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन और एक ओमेगा बाहर आएगा, सो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा और एक ओमेगा बाहर आएगा दैट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा वैल्यू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अब ध्यान देना, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या हो जाता है वेलोसिटी। देन जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे देन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, डी बाय डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहां से हम देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। एंड अब देख सकते हो एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, और यही चीज हमें मिल गया। तो हम यहाँ पे ये टोटल के जगह पे x लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था कि ये जो है ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM।
तो यहाँ पे हम x की वैल्यू से ये इक्वेशन फॉर्म कर सक रहे हैं, इसके फॉर्म में ला सक रहे हैं। दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन गिवन है x का, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, या फिर जिस भी पार्टिकल के बारे में बताया गया है दैट पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड, वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन कैसे निकालना है। तो उससे पहले एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए का वैल्यू निकालना है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन लेंगे, ये तो गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। यहां पे लेट ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओके, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू ए के जगह पे ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस बी, बी के जगह पे ए कॉस थीटा के साइन ओमेगा टी। ए कॉमन ले जाएंगे तो साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस या थीटा प्लस ओमेगा टी, दोनों ही वैलिड है। तो ये क्या मिल गया अपने को, बेसिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखो, ओके, तो हमारा फाइनल क्या आया था, हमने क्या लिया था, ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इन दोनों से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे, इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल ए का स्क्वायर यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ए और बी का वैल्यू, लेट्स सी ए और बी का वैल्यू कितना गिवन है। ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इज 4 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 16। ठीक है, 16 प्लस 9 इज 25, तो रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5, एंड एम्पलीट्यूड है सो इट इज सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड हमें निकल के आया, मिला 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या क्या हमें फाइंड आउट करना था,
पहला है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला देखा था, टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू 2 × (3.14)/ओमेगा, 3.14 रेडियंस में है, ओमेगा की वैल्यू 2 rad/s, तो रेडियन रेडियन विल बी कैंसल्ड, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम आएगा कितना 3.14 seconds. तो हमारे टाइम पीरियड कितना आया 3.14 seconds. ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, लास्ट क्लास हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था एंड दैट इज ए ओमेगा. तो वी मैक्स का होगा ए ओमेगा, ए इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज 5 cm एंड ओमेगा इज गिवन 2 rad/s, सो 10 cm/s. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना था मैक्सिमम एक्सीलरेशन. मैक्सिमम एक्सीलरेशन दैट इज ए मैक्स, और ए मैक्स का हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास कैलकुलेट किया था, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए. सो ए ओमेगा स्क्वायर, ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 and it will be 20 cm/s. ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस में गिवन था 3 चीज़ें निकालनी है, दैट इज टाइम पीरियड, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. आई होप आपको समझ आया होगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है. सो थैंक यू एवरीवन.